अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दिस इज़ सर नसीम ज़ुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम सॉल्विंग द पेपर ऑफ सैम्पल पेपर ऑफ केमिस्ट्री विच हैज़ बीन इशूड बाय पाकिस्तान मेडिकल कमीशन फॉर MDCAT 2021 एग्ज़ाम्स। तो ये केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर नंबर 3 है जिसके जो आंसर्स हैं वो सैम्पल पेपर में जो PDF उसमें दिए नहीं गए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं जो हूँ वो उसके आंसर्स करेक्ट बता दूं और उसको एक्सप्लेन कर दूं। ये मैं कंप्लीट इसके जो हमारे पास 56 MCQs हैं जो सैम्पल पेपर 3 के वो डिटेल में आपके सामने सॉल्व करने वाला हूँ। और कुछ क्वेश्चंस जो है वो सिंध बोर्ड से हैं और कुछ आप पंजाब टेक्स्ट या फेडरल से हैं, तो वो सारे भी मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो वजन है वो कितना होगा। तो जो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसका आंसर हम जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.11 × 10⁻³⁻³ kg इतना होता है, और मिलीग्राम में कन्वर्ट करें तो ये 9.1 × 10⁻²⁰ mg हो जाएगा। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6.02 × 10⁻²³ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 मोल में इतने इलेक्ट्रॉन्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर से 9.1 × 10⁻²⁵ से। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर हमारे पास आएगा 0.54 mg, ठीक है। तो ये उसका कंप्लीट जो है वो सॉल्यूशन है, तो 0.54 जो है वो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है। सेकंड है, इन गैशियस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज डैश टाइम्स एंड देयर डायमीटर्स। तो जब मॉलिक्यूल्स की बात करें गैशियस स्टेट में, तो गैशियस स्टेट में अगर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो उनका जो डायमीटर होता है तो उसके तो डिस्टेंस बिटवीन द जो मॉलिक्यूल्स है, कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज डैश टाइम्स देन देयर डायमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल हम किस तरह निकालते हैं कि ये दोनों सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास बॉन्ड लेंथ जो हमारे पास कहलाती है। और डायमीटर की बात की जाए तो डायमीटर कितना होता है, तो डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट टोटल हमारे पास डायमीटर होता है। तो कह रहे हैं कि गैसेस स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो उनके डायमीटर के कितने टाइम्स होता है। तो ये एक डायमीटर इसका हो गया, एक डायमीटर इसका हो गया, ठीक है। तो और जो मॉलिक्यूल का डिस्टेंस है तो वो डायमीटर के हमारे पास जो है वो ट्वाइस के बराबर हमारे पास जो है वो हो जाएगा, क्योंकि इस किनारे से इस किनारे तक का डिस्टेंस हम ले लेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2 times greater, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड है, द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एच इज 6.625 × 10⁻³⁰। ये तो आई थिंक सारे आंसर यहाँ पर जो है वो रॉन्ग है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये असल में होना चाहिए हमारे पास 6.625, ये प्लैंक्स कांस्टेंट हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, × 10⁻⁴ और 10⁻³ यहाँ पर हमारे पास होगी −34, ठीक है। तो चारों ऑप्शन में −34 कहीं नहीं था, क्योंकि मैं करेक्ट आंसर यहाँ पढ़ लिख दे रहा हूँ, जूल सेकंड में आ जाएगा। नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन अ हाइड्रोजन एटम इज़ द ऑर्डर ऑफ डैश। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है उसका ऑर्डर मतलब उसके एक्सपोनेंट पूछ रहे हैं। तो जब ऑर्डर पूछा जाए तो उसका मतलब कि उसमें आपसे एक्सपोनेंट पूछ रहे हैं। अब आप ये बात जानते हैं कि 0.529 angstrom हमारे पास जो है ये ऑर्डर होता है, ये जो है वो एटॉमिक रेडियस होता है, ठीक है। और चूँकि ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम में है तो हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको 10⁻⁴ में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.529। और ये एंगस्ट्रॉम से मुराद यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻⁰ के। अब अगर हम इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे तो ये 5.29 हो जाएगा, ठीक है। तो 5.29 और × 10⁻⁴ यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या, तो ये 10⁻⁴ हमारे पास हो जाएगा −11। तो 10⁻⁰ −11 ये हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो ऑर्डर होगा एक्सपोनेंट का वो।
फिफ्थ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम कंटेंस डैश कलर्ड लाइन सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंस। तो कह रहा है सोडियम की जो लाइन स्पेक्ट्रम होगी वो कितने कलर्ड लाइन पर मुश्तमिल होगी जो एक डेफिनेट डिस्टेंस पर होंगे। तो ये फेडरल बोर्ड का, पंजाब बोर्ड का टॉपिक है। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास डिफरेंट मौजूद है। तो यहाँ सोडियम को देखें तो सोडियम का जो लाइन स्पेक्ट्रा बनता है उसमें दो कलर्ड येलो लाइंस होती हैं जो एक सेपरेट डेफिनेट डिस्टेंस से जो है वो जुदा हो रही होती हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो टू येलो लाइंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिट डैश इज़ कॉमनली यूज बाय मीटियोरोलॉजिस्ट। तो मीटियोरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो माहिर मौसमियात होते हैं। तो वो हवा का दबाव नापने के लिए नॉर्मली कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं? तो वो मिली बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मिली बार सी ऑप्शन हो जाएगा प्रेशर के लिए। सेवन्थ है बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज़ अ डैश क्वान्टिटी। तो अब हमें ये बात पता है कि जो है वो बॉयल्स लॉ के मुताबिक पी वी बराबर होता है के के, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी आती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एट है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन सी एम क्यूब वन डी एम क्यूब ऑफ वाटर विल बी ऑलमोस्ट डैश। तो देखें एक लीटर जो वाटर होता है बच्चों, तो एक लीटर वाटर हमारे पास एक किलोग्राम वाटर ही होता है, क्योंकि वाटर का एक लीटर और एक किलोग्राम बराबर है। और वन के जी मतलब थाउजेंड हमारे पास हो गया, और थाउजेंड को 18 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे 55.55, ये हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो अब ये मोल्स आ गए तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? एवोगाड्रो नंबर से। तो हमें 1 डी एम क्यूब वाटर में पता लग जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा 55.6 इंटू कंप्लीट जो है वो ये 6.02 पावर 23 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइन्थ है फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेज एक्सेप्ट। इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स आप जानते हैं किसे कहते हैं? प्राइमरी बॉन्ड्स को कहते हैं जिसमें एटम टू एटम इंटरेक्शन होती है। तो आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता बिकॉज वो एटम टू एटम इंटरेक्शन होती है। कोवेलेंट बॉन्ड भी नहीं हो सकता, उसके अंदर भी एटम टू एटम बॉन्डिंग होती है। मेटेलिक बॉन्ड में भी दो एटम साथ में जुड़े होते हैं। डैपोल डैपोल फोर्स इज द करेक्ट आंसर बिकॉज डैपोल डैपोल फोर्स में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल जो दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। टेंथ है द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टल्स एंड डैश। तो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं जैसे आपने LCDs वगैरह देखी होंगी, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है वो इंटरमीडिएट होता है क्रिस्टल और डैश में। तो क्रिस्टल और आइसोट्रोपिक लिक्विड्स जो होते हैं उनके बीच का एक इंटरमीडिएट होता है। तो एक तरह का एनाइसोट्रोपिक लिक्विड ही होता है जो कि हमारा क्रिस्टल होता है। तो ये भी आप देखें तो ये भी हमारे पास फेडरल बोर्ड से टोटली आया हुआ है, सिंध बोर्ड में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। और काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पंजाब बोर्ड से मिलेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखूँ 6 क्वेश्चन नंबर ये हमारे सिंध बोर्ड से नहीं है, इस तरह से 5th क्वेश्चन ये हमारे सिंध बोर्ड से नहीं है। तो ये बाकी सब तो चले फिर भी मान लेते हैं कि ये हम कुछ ना कुछ करके कर लेंगे, बट ये तो कुछ फैक्ट्स हैं, डेटा है जो हमें सिंध बोर्ड में नहीं मिलता। तो इसलिए पंजाब बोर्ड आपको लाजमी स्टडी करना चाहिए उसकी बुक से। 11th है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन चारों में से अल्कोहल के अंदर होगा। तो आप जानते हैं कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यहाँ पे OH के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। 12th है एटम्स इन सॉलिड्स आर डैश। सॉलिड्स के एटम कैसे होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। इन रैंडम मोशन? नहीं, ऐसा भी नहीं होता। एक्साइटेड होते हैं? ऐसा भी नहीं होता। क्लोजली पैक्ड होते हैं? हाँ, ऐसा होता है कि क्लोजली पैक्ड होते हैं। 13 है द टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन फॉर्म चेंजेस वेदर इज कॉल्ड डैश टेम्परेचर। ये हमारे पास ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाते हैं। 14 है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो सैम्पल पेपर में लिखा होगा विच स्टेटमेंट इज़ वन, तो ये वन नहीं होना चाहिए था, करेक्ट होना चाहिए था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अमरफा सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा नहीं होता, क्रिस्टलाइन की शार्प होती हैं। अमरफा सॉलिड्स हैव 0% अरेंज्ड। देखो अनअरेंज तो होता है बट 0% भी अरेंज नहीं होता, वो स्मॉल पैटर्न ऑफ अरेंज्ड सब्सटेंस आपको वहाँ पर मिल सकता है। अमरफा सॉलिड हैव अ रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का इनका एक रेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू। ये चैप्टर 8 है हमारा, फर्स्ट ईयर का उसका MCQs है। इफेक्टिव कोलिजन इसका आंसर होगा। 16 है ली चार्टलर प्रिंसिपल इज अबाउट डैश, तो वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर के बारे में है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 17 है रिएक्शन ऑफ सोडियम विद वाटर इन इज एग्जाम्पल ऑफ डैश, देखो रिवर्सिबल तो होता नहीं है, वो एंडोथर्मिक भी नहीं होता, एक्सोथर्मिक होता है, इररिवर्सिबल होता है, तो इररिवर्सिबल हम टिक कर देंगे। और स्लो भी नहीं होता, फास्ट रिएक्शन होता है। नेक्स्ट है द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास
रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, जिसको हम लोग डी एक्स ओवर डी टी भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो नोन एज, ये भी हमारे सिंथ बोर्ड से नहीं है, याद रखिएगा कि स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट को हम वेलोसिटी कॉन्स्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद डैश, तो रिएक्शन विद वाटर, ये इजी एमसीक्यूज है। नेक्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज डैश, तो हीट क्या किया जाता है, गिव आउट टू सराउंडिंग, बाहर दिया जाता है सराउंडिंग में। 22 है एनीथिंग अंडर टेस्ट और ऑब्जर्वेशन इन लेबोरेटरी इज कॉल्ड डैश, तो सिस्टम कहते हैं उसको। नेक्स्ट है लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड बाय बॉर्न हेबर्ट साइकिल से मालूम करते हैं, ये भी पंजाब बोर्ड से है, ठीक है, सिंध बोर्ड में बॉर्न हेबर्ट साइकिल का कोई तस्करा नहीं है। 24 इन बैलेंसिंग रिडॉक्स रिएक्शन द फर्स्ट थिंग इज टू डैश, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं चैप्टर 7 में रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, तो वी हैव टू राइट द स्केलेटन इक्वेशन, तो हमें स्केलेटन इक्वेशन सबसे पहले लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो हमें स्केलेटन इक्वेशन को लिखना पड़ता है, जिसमें हम जो है वो मॉलिकुलर इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। 25th करंट इन इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड थ्रू डैश, नॉर्मली करंट जो होता है वो आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेकर जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस में जो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करवा रहे होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। 26 द हाइड्रोजन गैस बबलिंग इन टू वन मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl एज अ प्रेशर ऑफ, ये जो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं चैप्टर 7 में, यहाँ से टॉपिक आया है, तो वहाँ पर हमारे पास 1 ATM का स्टैंडर्ड प्रेशर पर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं। नेक्स्ट है द शील्डिंग इफेक्ट डैश फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स जब बढ़ने लगते हैं, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे एक पीरियड में तो नंबर ऑफ शेल तो सेम रहेंगे, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहता है। टॉप से बॉटम जब हम जाते हैं, ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं टॉप से बॉटम, तो फिर क्या होता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, जो हमारा शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि जब जब शेल्स बढ़ते रहते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ती रहती है। तो ये हो गया शील्डिंग इफेक्ट। तो नेक्स्ट है 28th, व्हेन टू एटम्स बॉन्डेड टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड द अट्रैक्टिव फोर्सेस विल डैश रिपल्सिव फोर्सेस एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डैश, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस हमेशा डोमिनेट करेंगी, रिपल्सिव फोर्सेस को ज़्यादा होंगी हमेशा, और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी सिस्टम की, क्योंकि आपको पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है, ये केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो एनर्जी लॉस कर रहा होता है मॉलिक्यूल अपना, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि डोमिनेट एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। 29th है द एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज डैश देन एटॉमिक रेडियस फ्रॉम विच इट इज ड्राइव्ड, हायर लार्जर मॉडरेट स्मॉलर, तो देखें हायर भी हो सकता है आयनिक रेडियस और लोअर भी स्मॉलर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो ये मेरे लिहाज से कि दिस इज अ MCQ नंबर 29 इज एक्चुअली अ रॉन्ग MCQ, तो मेरे लिहाज से ये गलत MCQs है। 30 है विच इज अ नाइट्रॉन, नाइट्रॉन किसे कहते हैं, तो नाइट्रॉन बच्चों हमारे पास जो बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को नाइट्रॉन कहा जाता है, तो ये भी हमारे पास जो है वो पंजाब बोर्ड से है। 21 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल इज डैश, अल्कली मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमारे पास क्या होती है, तो बस +1 में ही होती है। 32 है प्योर मेटल डैश, प्योर मेटल कोरोड स्लोली, डज नॉट कोरोड स्लोली, कोरोड रैपिडली, रन ऑफ दिस, तो प्योर मेटल के बारे में याद रखिएगा कि स्लोली हमेशा वो कोरोड कर रहे होता है, तो कोरोड स्लोली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 है विच ऑफ द मैथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन, अलाउइंग टू मेटल्स ये होगा, ठीक है, कोटिंग द सरफेस विथ लेस रिएक्टिव मेटल ये भी कर सकते हैं, पेंटिंग द सरफेस विथ अ डाई ये भी कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ये हो गया ऑल ऑफ दिस, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 34 है डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्रेजेंट डैश इन द पीरियोडिक टेबल, राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल नहीं, लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल नहीं, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल नहीं, होता है एफ ब्लॉक होता है, तो देखिए राइट में हमारे पास पी होता है, लेफ्ट में हमारे पास एस होता है, बॉटम में हमारे पास एफ होता है, और बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट यहाँ हमारे पास होता है कौन सा भी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास होते हैं। 35 है हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, तो वोहलर जो था फ्रेडरिच वोहलर जर्मन केमिस्ट, उसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था यूरिया की प्रोडक्शन करके बाई मीन्स ऑफ अमोनियम साइनेट। 36 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो इनमें से जो एंथ्रासीन है ना वो हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, बिकॉज एंथ्रासीन में आपको पता है क्या होता है, एंथ्रासीन में हम जानते हैं कि तीन जो हमारे पास बेंजीन रिंग्स होती हैं, तीन बेंजीन रिंग्स एक साथ अटैच होती हैं, तो इसलिए मैं एरोमेटिक है,
बेंजीन रिंग है ना इसमें, तो ये तो एरोमेटिक हो गया, हेट्रोसाइक्लिक तो हुआ नहीं। हेट्रोसाइक्लिक के केस में क्या होता है कि हमारे पास रिंग के अंदर कार्बन के अलावा दूसरा कोई एलिमेंट मौजूद होता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज डैश। साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो हेक्सागोनल होगा, ठीक है। आप जानते हो साइक्लोहेक्सेन को हम इस तरह से बना रहे होते हैं, दिस इज एक्चुअली साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट इज एसिटाइलिन पोलमराइजेस टू मेक डैश। तो एसिलरीन एसिटाइलिन या इथाइन जो है वो ट्राइमराइज होता है, तीन मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और बेंजीन बनता है। 39 है पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज कॉल्ड इन अल्कीन्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। देखें अल्कीन्स के अंदर जो पोजिशन हम डिटरमाइन करते हैं ना डबल बॉन्ड की, वो ओजोनोलाइसिस के थ्रू करते हैं, बी ऑप्शन। तो ये भी हमारे पास जो है ना बच्चों, ये 39 MCQs, ये पंजाब बोर्ड से है। ओजोनोलाइसिस में शायद मैंने आपको बताया तो है, वैसे MDCAT के जो रेड स्पॉट के MCQs में सॉल्व कर रहा था, जैसे कार्बन है उसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन है, तो जब ओजोनोलाइसिस हम इसकी कराएंगे तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है मॉलिक्यूल और दोनों तरफ क्या होता है एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, उसको हम ओजोनोलाइसिस कहते हैं। कि एक मॉलिक्यूल ब्रेक होकर डबल बॉन्ड से क्लेवेज करता है, ब्रेक करता है और एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन करता है, दैट इज़ कॉल्ड ओजोनोलाइसिस। उसकी डिटेल के लिए आप देख सकते हैं मेरे MDCAT के लेक्चर को, जिसमें मैंने इथिन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताई हैं। नेक्स्ट है 40 अल्कीन इज डैश। अल्कीन खुद क्या होता है, न्यूक्लोफाइल होता है, तभी इलेक्ट्रोफाइल जो है उस पर आकर पहले अटैक करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है ना ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, न्यूक्लोफाइल। नेक्स्ट है 41 है कि इलेक्ट्रोफाइल इज डैश। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, अभी इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। 42 है 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन इज एग्जाम्पल ऑफ डैश। 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन एग्जाम्पल किसकी है, टर्शियरी अल्कलाइट की एग्जाम्पल है, क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे 2-क्लोरो-2-मिथाइल-प्रोपेन का, तो इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा, इस तरह से ही आपको बनाना पड़ेगा ना, कि कार्बन लेंगे फिर कार्बन लेंगे फिर कार्बन लेंगे, फिर 2 पर ब्रोमो लगा देंगे Br, और 2 पर ही मतलब इसी पोजीशन पर आपको क्या कर देना पड़ेगा, मिथाइल लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अल्फा कार्बन से तीन रेडिकल अटैच हैं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, टर्शरी हो गया। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो देखें जो जो आर आई होता है, अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें आर आई ज़्यादा, आर आई नहीं सॉरी एच आई की बात हो रही होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आर सी एल ज़्यादा रिएक्टिव होगा आर बी आर से, फिर आर एफ, फिर आर आई, आर आई आर बी आर आर सी एल आर एफ, इस तरह आर आई आर सी एल आर बी आर आर एफ और नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आपको पता है कि हाईली रिएक्टिव जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, तो वो आर आई होगा हमारे पास, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल और फिर फाइनली आर एफ, ठीक है। 44 है द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल इज ड्यू टू डैश। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से की जाती है, क्योंकि एक OH ग्रुप होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में। नेक्स्ट इज 45 है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। हायर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल्स की सबसे ज़्यादा होगी, चूंकि उसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2-ब्यूटानॉल। 46 है द अल्कीन्स कैन बी फाउंड बाय अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ डैश। तो अल्कीन्स अल्कोहल से बन सकते हैं किसकी मौजूदगी में, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, चूंकि यहाँ पर ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सॉरी इसमें नहीं, अल्कीन्स कैन बी फाउंड बाय अल्कोहल्स नहीं, तो ये ऑक्सीडेशन नहीं करनी है इसमें हमें, ठीक है, तो इसमें हमें इसकी डिहाइड्रेशन करनी है, मतलब इसमें तो डिहाइड्रेशन के लिए ना K1O4 यूज़ हो सकता है, न यहाँ पर K2Cr2O4 यूज़ हो सकता है, बल्कि एसिडिफाइड CuCl2 हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एज आ हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम करेगा। नेक्स्ट इज विच इज़ द वॉट इज़ द नेचर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन एल्डिहाइड इज डैश। तो एल्डिहाइड में जो कार्बन होता है वो खुद इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा होता है। 48 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ एसीटोन। तो 2-प्रोपोनोन सिंपल MCQs। 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। अच्छा ये जो ये वाला MCQ नंबर 46 आपके पास है ना, तो ये भी पंजाब बोर्ड से ही है, सिंध बोर्ड से नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN। जब एसीटोन को हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन होगा तो ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा। नेक्स्ट है 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट जनरल फॉर्मूला ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो आर सी डब्ल्यू एच ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का करेक्ट फार्मूला है, बाकी ए आर ये जब हम पी एच लगा देंगे तो ये एरोमेटिक बन जाएगा। 51 इन आई यू पी सी नोमेनक्लेचर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नेम्ड एज डैश। आई यू पी सी नोमेनक्लेचर में कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कानोइक एसिड कहते हैं। 52 है कार्बोक्सिलिक एसिड रिडक्शन टू अल्कोहल कैन बी अचीव बाई यूजिंग डैश, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए हम यहाँ पर LiAL(H4) जो कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड है तो वो इस्तेमाल करते हैं। 53 हाई मोलिकुलर मास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस यील्ड अमाइनो एसिड आर कॉल्ड डैश, तो वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे जो हाइड्रोलिसिस पर अमाइनो एसिड देंगे, तो वो प्रोटीन्स होंगे। हमारे चैप्टर 10 है ये फर्स्ट सेकंड ईयर का। 54 है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एलिमेंट्स एनिमल्स फॉर्मिंग 25 to 35% ऑफ बॉडी प्रोटीन इज विच टाइप ऑफ प्रोटीन, तो वो सिंपल प्रोटीन होता है जो 25 से 35% तक होता है। नेक्स्ट है अ पेप्टाइड हैविंग अप टू 10,000 अमाइनो एसिड इज नोन एज, तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। 56 इज द टेम्परेचर एट विच एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम, तो एंजाइम जो मैक्सिमम एक्टिविटी करता है उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो स्टूडेंट दीज आर ऑल द करेक्ट आंसर्स ऑफ सैम्पल टेस्ट नंबर 3 विद इट्स एक्सप्लेनेशन। आई होप सो कि आपको जो है वो ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल जो सर नसीम दुल्फ़िकार है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम दुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।